लोग अभी तक लाइन और पैराबोला का जो क्वेश्चंस थे वो हमने जो भी उसके थ्योरीज थे वो हमने डिस्कस कर रखा है। अब हम लोग जरा लाइन एंड पैराबोला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये 19th नंबर का क्वेश्चन है, देखेंगे क्या कह रहा है। इफ 2, -8 इज एन इन पॉइंट ऑफ पैराबोला देन अदर इंड ऑफ फोकल कॉर्ड, नहीं इंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड, ठीक है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमारा इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ये जो है वन इंड ऑफ पैराबोला दिया गया है, ठीक है, ये एक पैराबोला है, ठीक है ना, और ये एक फोकल कॉर्ड है ए और बी, ए भी हमारा फोकल कॉर्ड है। ये जो दिया गया है 2, -8 दिया गया है, तो ये बताना है पी कॉमा क्यू, ये बताना है। तो याद होगा जब हम लोग फोकल कॉर्ड के बारे में जब हमने पढ़ा था तो आपको याद होगा, जब अगर एक कोऑर्डिनेट ए टी स्क्वायर कॉमा 2 AT होता था तो दूसरा कोऑर्डिनेट हम लिख सकते थे ए बाई टी स्क्वायर कॉमा -2 A/T। तो एक दे रखा है ना हमें, ये दे रखा है, तो ए टी स्क्वायर क्या दे रखा है, ए टी स्क्वायर हमारा हो गया 2 एंड 2 AT क्या हो गया हमारा -8। हमें चाहिए क्या, ए बाई टी स्क्वायर चाहिए। तुम यहां से हम बता सकते हैं टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 A, ठीक है, और यहां से हम कह सकते हैं टी इक्वल्स टू -4 A, टी इक्वल्स टू -4 A। तो हमें ये कोऑर्डिनेट खोजना है ना, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा डेट इज पी, ये पी हो जाएगा हमारा, पी इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई 2 A, क्योंकि टी स्क्वायर क्या है हमारा 2 A, तो टी स्क्वायर की जगह हमने 2 A पुट कर दिया, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। अब हमारा जो सेकेंड पी मिल गया हमें ए स्क्वायर बाई 2। अब क्यू हम खोजेंगे ना, क्यू क्या होता है, -2 A डिवाइडेड बाई टी ना, टी क्या है -4 A, -4 A, तो ए ऊपर चला जाएगा और माइनस माइनस कट जाएगा, टू टू टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2। तो हमें क्या मिल गया, ए स्क्वायर बाई 2 और ए स्क्वायर बाई 2। अब हमें ए स्क्वायर बाई 2 को फाइंड करना है, तो पी भी ए स्क्वायर बाई 2 है, क्यू भी ए स्क्वायर बाई 2 है, तो हमें क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर। तो हमारा ए क्या होता है, ए तो होता है ना डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, तो 4 A क्या दे रखा है हमारा, 32 दे रखा है, तो ए क्या हो गया हमारा 8। तो हमारा पी हो गया 8 स्क्वायर बाई 2, 8 स्क्वायर बाई 2। 8 स्क्वायर क्या होता है, 64, देन 64 बाई 2, 64 बाई 2, पी हो गया हमारा 32, 32, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे यही में मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था कि अगर ये ए टी स्क्वायर होता है तो ए बाई टी स्क्वायर, 2 AT होता है तो -2 A/T, ये इंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम होता है जो हमें याद रखना पड़ेगा हमेशा। हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन कहता है अ लाइन एल पासिंग थ्रू फोकस ऑफ पैराबोला, ये एक पैराबोला है, एक लाइन फोकस ऑफ पैराबोला से पास कर रहा है, इंटरसेक्ट द पैराबोला एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक पैराबोला है हमारा, ठीक है, एक लाइन जो है फोकस से पास कर रहा है और पैराबोला को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच कर रहा है, कट कर रहा है, आप ऐसा बोल सकते हैं कट कर रहा है। इफ एम बी द स्लोप ऑफ एल, ये लाइन एल था, इसका स्लोप एम है, तो एम का रेंज बताइए, एम का रेंज ऑफ एम, एम क्या है हमारा, एम इक्वल्स टू स्लोप, और स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, एंड थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ डैट लाइन, एंगल ऑफ डैट लाइन, ठीक है ना, विद एक्स एक्सिस।
अब बताइए, एक बात याद रखना है कि ये जो है ए बी, बस एक ही कंडीशन ऐसा होता है जब लाइन, कोई भी लाइन जो होता है ना, वो हमारा टेंजेंट भी नहीं बनता हो और कॉर्ड भी नहीं बनता हो और पैराबोला को कट भी करता हो, तो वो होता है एक्सिस। एक्सिस ही बस एक ऐसा लाइन है जो ना ही टेंजेंट है ना ही कॉर्ड है, बट फिर भी ये पैराबोला को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, लेकिन ये टेंजेंट भी नहीं है और ये दो पॉइंट पे कट भी नहीं कर रहा, तो कॉर्ड भी नहीं है, तो बस यही एक पॉइंट होगा, ठीक है ना, बस यही एक पॉइंट, बस यही एक लाइन होगा जिसका स्लोप 0 होगा और वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट भी नहीं करेगा, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट भी नहीं करेगा, ठीक है। बाकी जितने भी कॉर्ड होंगे, ऐसे जैसे ऐसे ऐसे कि कैसा भी लाइन जो होगा वो दो पॉइंट पे कट तो कर जाएगा, बस यही एक एक्सिस होगा जो एक पॉइंट पे कट करेगा। तो ये एक्सिस जो है हमारा, एक्सिस अगर हम इक्वेशन को देखें तो इक्वेशन में वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर है इक्वल्स टू 4 टाइम्स x-1, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स जो है क्या है, वाई एक्सिस से पैरेलल है। अगर डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस से पैरेलल है तो एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस से पैरेलल है, और एक्स एक्सिस से जब कोई पैरेलल होगा तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा, 0। तो दुनिया के सारे रेंज हो सकते हैं, एम जो होता है, एम कुछ भी हो सकता है, बट 0 नहीं हो सकता है, -0। अगर 0 हुआ तो एक पॉइंट पे कट करेगा, इसके अलावा कोई भी लाइन हो, सारे लाइन जो एक पॉइंट पे अगर कट कर रहे हैं तो दूसरे पॉइंट पे भी कट करेंगे और वो कॉर्ड बनेगा, ठीक है ना, टेंजेंट को हटा के, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा आंसर लिखा है, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये पैराबोला है, ठीक है ना, और बोला है कि ये फोकल कॉर्ड से पास कर रहा है। द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला इतना, एट अ डिस्टेंस बी फ्रॉम वर्टेक्स इज सी। तो देखिए, द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला, ये ए बी लाइन है जो फोकल कॉर्ड है, तो ए बी का जो लेंथ है एट अ डिस्टेंस बी फ्रॉम वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है, एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट से बी डिस्टेंस पे, बी डिस्टेंस, तो पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग करते हैं, तो बी डिस्टेंस ये हो गया, ठीक है ना, एट डिस्टेंस बी इज सी। जब ये लाइन बी डिस्टेंस पे लाई करेगा, जो फोकल कॉर्ड है, जब ये बी डिस्टेंस पे लाई करेगा वर्टेक्स पे, तो फोकल कॉर्ड का लेंथ होगा सी। इसका मतलब क्या दे रखा है, ए बी जो होगा हमारा विल बी सी, ठीक है, एंड ओ लिख ले और ओ एम लिख ले, तो ओ एम जो होगा हमारा बी, ठीक है, और ए तो है ही हमारा यहाँ पे ए, तो ए बी और सी में हमें रिलेशन बताना है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हम जरा ए बी डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी जो है ना सी के इक्वल है, ये तो मान लेते हैं ए टी वन का स्क्वायर कॉमा 2a t1, और ये मान लेते हैं हम ए टी टू का स्क्वायर कॉमा 2a t2, तो सी जो हो जाएगा ना, सी स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करें तो सी स्क्वायर हो जाएगा 2a t2 -t1 का होल स्क्वायर, ये था y2 - y1 का होल स्क्वायर, जिसमें हम 2a को हम कॉमन ले रखे हैं, और ये हो जाएगा हमारा a, अगर हम कॉमन ले, ये हो जाएगा t2 का स्क्वायर -t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे और अगर हम लिखे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है, t2 - t1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइम्स, ये हो जाएगा हमारा t2 - t1 का स्क्वायर इंटू t2 + t1 का
स्क्वायर, ठीक है। तो टी टू माइनस टी वन का स्क्वायर अगर हम यहाँ से कॉमन लें, टी टू माइनस टी वन का स्क्वायर अगर हम कॉमन लें, तो ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर टी टू माइनस, सॉरी यहाँ पे मैंने हमें कॉमन लेना था, ठीक है। यहाँ पे हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर मैच हो रहा है तो हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, टी टू माइनस टी वन मैच हो रहा है, टी टू माइनस टी वन मैच हो रहा है तो ये लेते हैं, तो टी टू माइनस टी वन का स्क्वायर यहाँ बचेगा फोर प्लस टी टू प्लस टी वन का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम इसको हम आगे प्रोसीड करें तो हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर टाइम्स टी टू का स्क्वायर प्लस टी वन का स्क्वायर माइनस टू टी वन टी टू, और हम यहां लिख सकते हैं फोर प्लस टी वन का स्क्वायर प्लस टी टू का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस टू टी वन टी टू, ठीक है ना। अब देखिए अगर फोकल कॉर्ड है, ए बी है ना, फोकल कॉर्ड है, तो टी वन इंटू टी टू क्या हो जाएगा माइनस वन, तो जहां जहां टी वन इंटू टी टू है ना उसे माइनस वन डाल देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टाइम्स, ठीक है, टी वन का स्क्वायर प्लस टी टू का स्क्वायर, टी वन टी टू क्या हो गया माइनस वन, तो ये हो गया प्लस टू, और ये हो जाएगा टी वन का स्क्वायर प्लस टी टू का स्क्वायर, ये क्या टी वन टी टू माइनस वन, तो क्या हो जाएगा माइनस टू, फोर माइनस टू इज प्लस टू, तो ये हो गया हमारा, देखिए ये और ये क्या हो गया सिमिलर हो गया, तो हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर टाइम्स टी वन का स्क्वायर प्लस टी टू का स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर, तो सी हमारा क्या हो गया ए टाइम्स टी वन का स्क्वायर प्लस टी टू का स्क्वायर प्लस टू, ये हो गया हमारा सी लेंथ ना, ए बी लेंथ। तो अब मैंने डायरेक्टली आपको लिख दिया इक्वेशन ऑफ ए बी, ए बी जो है ना कॉर्ड है फोकल कॉर्ड है, लेकिन हमने टी वन और टी टू के फॉर्म में लिखा है, ठीक है ना। तो ये कॉर्ड का इक्वेशन था जो मैंने आपको अपने थ्योरी में बता रखा था कि ये हमें याद रखना है। अब इस कॉर्ड का डिस्टेंस वर्टेक्स से क्या है बी, तो बी क्या हो जाएगा जीरो जीरो है हमारा वर्टेक्स जीरो कॉमा जीरो, तो अगर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन अगर हम लगाएं तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ टू ए टी वन टी टू माइनस टाइम डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। फिर हम इसे लिख सकते हैं टू ए टी वन टी टू, और वैसे भी टी वन टी टू क्या होगा, टी वन टी टू क्या होता है माइनस वन, तो हम इसे टी वन टी टू को हम डायरेक्ट माइनस वन लिख देंगे, ठीक है ना। तो टी वन टी टू हमारा क्या हो गया माइनस वन, तो टी वन टी टू को माइनस वन लिखेंगे, टू ए हो जाएगा डिवाइडेड बाई, यहां देखिए स्क्वायर रूट, इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारा टी वन का स्क्वायर प्लस टी टू का स्क्वायर प्लस टू टी वन टी टू प्लस फोर, ठीक है ना, ये हो गया डिस्टेंस हमारा बी। तो आगे हम बी को लिख सकते हैं, ठीक है ना, टू ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट, यहां देखो ये क्या हो गया, ये माइनस टू हो जाएगा, टी वन टी टू क्या होता है माइनस वन होता है फोकल कॉर्ड के लिए, माइनस टू हो जाएगा, और माइनस टू प्लस फोर क्या हो जाएगा टू, तो ये हो जाएगा टी वन का स्क्वायर प्लस टी टू का स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करें तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी वन का स्क्वायर प्लस टी टू का स्क्वायर प्लस टू। अब यहां देखिए ये क्या है, हमें एबीसी के बीच में रिलेशन निकालना है, तो ये क्या हो गया टी वन का स्क्वायर प्लस टी टू का स्क्वायर प्लस टू क्या हो गया हमारा सी बाई ए,
तो जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे c बाई ए, तो क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी बाई ए, ए ऊपर चला जाएगा, c क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा सी बी ए स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए क्यूब। ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन ए बी सी। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है 22। ठीक है, ये मेरा बहुत ही एक फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन से मैं मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन किस तरह से क्वेश्चंस को जनरेट किए जाते हैं ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से रखेंगे, ठीक है, और कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो उसमें हम यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता रहूँगा। देखिए क्या है, एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है ना, ये एक लाइन है ना x माइनस टू वाई इक्वल्स टू वन, इस पैराबोला को दो पॉइंट पे कट कर रहा है a और b पे, तो ए बी का लेंथ 4 दे रखा है, तो k का वैल्यू बोला है बताने के लिए, क्या बोला है बताने के लिए, k का वैल्यू 4, ठीक है ना, k का k क्या होगा ये बताने के लिए बोल रखा है, ए बी के बीच का डिस्टेंस जो दे रखा है वो 4 दे रखा है। चलिए हम लोग आगे हम लोग सीखते हैं ना कैसे इसको करना है। अच्छा, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ए बी का जो डिस्टेंस दे रखा है ये दे रखा है हमें 4। अब ए और बी दो पॉइंट है तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट के लिए तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, तो मान लेते हैं ये x1 कॉमा y1 पॉइंट है और ये x2 कॉमा y2 पॉइंट है। तो अब यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके माइंड में हो रहा होगा, अरे मैंने यहां पे at स्क्वायर 280 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारा एक लाइन है x और y फॉर्म में दिया गया है, अगर ये लाइन नहीं होता और y इक्वल्स टू 4ax होता तो हम उसमें at स्क्वायर 280 लिखेंगे तो ज्यादा ही बेनिफिशियल होगा, बट एक लाइन और एक पैराबोला दे रखा है तो हम एक्स वाई में ही हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चलिए, अब जो ए बी के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा ए बी एक्स वन वाई वन के थ्रू, यह 4 है और यह क्या है स्क्वायर रूट, ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का y1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या है, अब हमें तो ये दो पॉइंट चाहिए, तो दो पॉइंट को जब हम लाइन एंड कॉर्ड जब हमने स्टार्ट किया तो याद होगा हमने आपको बताया था दो पॉइंट चाहने के लिए हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम यहां क्या करेंगे, y स्क्वायर इक्वल्स टू k टाइम्स 1 प्लस 2y हम पुट करेंगे, ये है ना x क्या हो जाएगा 1 माइनस टू वाई, उधर ले जाऊंगा तो x क्या हो जाएगा 1 प्लस टू वाई, तो हम x के जगह हम पुट कर देंगे 1 प्लस टू वाई, तो ये जो मिलेगा हमें क्वाड्रेटिक मिल जाएगा y में क्वाड्रेटिक, और ये हो जाएगा माइनस टू के वाई माइनस के इक्वल्स टू जीरो। यहां से दो रूट मिलेंगे आपको अल्फा और बीटा, तो ये अल्फा बीटा क्या होगा जरा सोचिए, अल्फा बीटा आखिर होगा तो क्या होगा, ये y1 और y2 यही तो दोनों रूट्स होंगे, क्योंकि दोनों का इंटरस दोनों को हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों जिस पॉइंट पे टच करेंगे कट करेंगे, अगर y में क्वाड्रेटिक बना है तो उस पॉइंट का हमें y कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो देखिए हमने y में बना रखा है, हमने y में सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करके जो भी हमें y मिलेगा वो हमें इस दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो आपको याद दिला दो, मतलब यहां से हमें y2 माइनस y1 खोजना है, तो याद है सम ऑफ रूट्स y1 प्लस y2 अगर इसका रूट्स है तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस b बाई a, तो ये क्या हो गया 2k, एंड y1 इंटू y2 क्या होगा माइनस k, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अगर आप क्वाड्रेटिक पढ़े होंगे तो आपको सर ने पढ़ाया होगा, y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4 y1 y2 होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं
वाई वन प्लस वाई टू, टू के का स्क्वायर फोर के स्क्वायर माइनस फोर, वाई वन वाई टू क्या है माइनस के, तो ये क्या हो गया फोर के स्क्वायर प्लस फोर के, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं एक्स को अगर वाई को पुट कर दूं यहां पे, एक्स में क्वाड्रेटिक बना दूं, तो इस लाइन को मैं एक्स में क्या लिख सकता हूं, सबसे पहला बात वाई के टर्म में मैं क्या लिख सकता हूं ना, तो हम लिख सकते हैं वाई इक्वल्स टू, ठीक है, वाई इक्वल्स टू वन, ठीक है, वाई इक्वल्स टू लिख सकता हूं मैं y इक्वल्स टू x माइनस वन बाई टू। अब मैं इस x माइनस वन बाई टू को यहां पे अगर मैं पुट कर दूं पैराबोला में, तो ये आ जाएगा x माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स, और ये हमें देगा x माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू फोर के एक्स, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स इक्वल्स टू फोर के एक्स, और इसे मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस फोर के इंटू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक एक्स में, इसका रूट एक्स वन और एक्स टू होगा, जो देगा हमें एक्स वन प्लस एक्स टू जो हमें देगा वो हो जाएगा टू प्लस फोर के, एंड एक्स वन एक्स टू जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा वन। तो हम एक्स टू माइनस एक्स वन का जो स्क्वायर जो अगर हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं हम एक्स वन प्लस एक्स टू का स्क्वायर माइनस फोर एक्स वन एक्स टू, और ये हो जाएगा हमारा टू प्लस फोर के का होल स्क्वायर माइनस फोर, और ये हो जाएगा फोर प्लस सिक्सटीन के स्क्वायर प्लस सिक्सटीन के माइनस फोर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा सिक्सटीन के स्क्वायर प्लस सिक्सटीन के, तो ये तो हो गया सिक्सटीन के स्क्वायर प्लस सिक्सटीन के, और ये क्या हो गया हमारा यहां ये फोर के स्क्वायर प्लस फोर के, ठीक है ना, और ये हो गया सिक्सटीन के स्क्वायर प्लस सिक्सटीन के। अब मैं इस दोनों को इस इक्वेशन में रख दूं, फर्स्ट नंबर इक्वेशन में रख दूं, और स्क्वायरिंग बोथ साइड ना, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट हटाना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा 16 इक्वल्स टू, ठीक है ना, जो हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 क्या है 4k स्क्वायर प्लस 4k, देन 4k स्क्वायर प्लस 4k, और ये क्या हो जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 16k प्लस 16k स्क्वायर प्लस 16k, तो ये हो जाएगा 20k स्क्वायर प्लस 20k इक्वल्स टू 16, और ये हो जाएगा हमें 5k स्क्वायर प्लस 5k माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो k जो हो जाएगा हमारा माइनस 5 प्लस माइनस रूट 105 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है ना, ओके। तो k क्या होना चाहिए, k हमें एक पॉजिटिव होना चाहिए ना, k क्या होना चाहिए, हमें एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, तो k हमें पॉजिटिव लेने के लिए क्या हो जाएगा रूट अंडर 105 माइनस 5 बाई 10, नेगेटिव भी हो सकता है, ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा आखिर ये होगा क्या। ये हो गया हमारा आंसर। तो आपने देखा दो कॉर्ड सर्कल में भी आ सकता है, सर्कल में भी आपको एक लाइन दिए जा सकते हैं कॉर्ड, उसके बीच का डिस्टेंस दिया गया होगा शायद आपको याद हो, तो ऐसे क्वेश्चंस भी जनरेट हुए थे। तो याद रखना है इस तरह के y2 टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन को y2 टू माइनस वाई वन जो होता है एक क्वाड्रेटिक बनता है, ठीक है ना, यहाँ एक क्वाड्रेटिक बना पड़ा है, यहाँ क्वाड्रेटिक में अल्फा माइनस बीटा हमें निकालना है, तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, वैसे ही दोनों को यूज करके हम डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट 23rd नंबर जो क्वेश्चन है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। अ डबल ऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 8px ऑफ लेंथ 16p, द एंगल सबटेंडेड बाय
इट एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज, ठीक है ना, एक पैराबोला है ठीक है, जिसका इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8px, एक डबल ऑर्डिनेट है, इसका लेंथ 16p है, तो एक्सिस इसको 8p में ऊपर डिवाइड करेगा और 8p में नीचे डिवाइड करेगा 16p का। एंगल सबटेंडेड बाय, ये जो है ना ये डबल ऑर्डिनेट वर्टेक्स पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है वो हमें बताना है, ये पूरा थीटा बताना है। तो ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हमें कोसाइन रूल पता है, ये ओरिजिन मान लो, ये ए मान लो और ये बी मान लो, तो कोसाइन रूल में हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ओ ए इंटू ओ बी, ठीक है। अब ओ ए लेंथ अगर हम कैलकुलेट करें ना, ओ ए लेंथ हमें कैलकुलेट करना है, तो ये तो 0.0 है ठीक है, ये लेंथ हमारा 8p है, मतलब इस पॉइंट का, ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हमारा 8p है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, मान लेते हैं एक्स, तो ये ए पॉइंट जो है और बी का -8p, ठीक है, तो ये ए पॉइंट क्या है, पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो ये एक्स कॉमा 8p पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा, तो हम यहां लिख सकते हैं 8p का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8p इंटू एक्स, तो 8p और एक 8p कैंसिल हो गया, तो एक्स क्या आ गया हमारा 8p, तो ये हो गया 8p कॉमा 8p, और ये भी हो जाएगा हमारा 8p, क्योंकि डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है। तो ये ओ ए और ओ बी लेंथ तो सेम होगा, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, और ओ ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा, ओ ए डिस्टेंस है ना, तो स्क्वायर रूट 8p का स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर, और ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, सॉरी स्क्वायर में स्क्वायर रूट नहीं आएगा, ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64p² प्लस 64p², डेट इज 128p², तो ओ ए स्क्वायर 128p², ओ बी स्क्वायर 128p² इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर। अब ए बी लेंथ डिस्टेंस कितना है, ए बी जो है 16p है, 8p ऊपर 8p नीचे, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 16p, तो ए बी स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा 16p का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल्स टू 256p², तो हमारा कॉस थीटा हो जाएगा 128p² प्लस 128p² माइनस 256p² डिवाइडेड बाई 2 इंटू 128p² और ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो हो जाएगा 0, cos थीटा 0 मीन्स थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो देखिए कितने स्मार्टली हमने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का कोसाइन रूल को हमने यूज कर रखा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कहता है, देखिए क्या कह रहा है, द कॉट ए बी, ठीक है ना, द कॉट ए बी ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x कट्स एक्सिस, एक कॉर्ड है ना ए बी, ये एक एक्सिस है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये ए बी एक कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है, कट द एक्सिस ऑफ पैराबोला एट सी, मतलब एक्सिस को ए पॉइंट सी पे कट कर रहा है, ए जो है हमारा 8t1 का स्क्वायर कॉमा 2at1 है, और बी जो है हमारा ए t2 का स्क्वायर कॉमा 2at2 है, और ये सी जो है 1:3 रेशियो में कट कर रखा है,
रिलेशन बिटवीन टी वन टी टू हमें फाइंड करना है। तो सी जो कोऑर्डिनेट होगा हमारा, ठीक है ना, मान लेते हैं पी होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, ठीक है ना? अब इसका और इसका जो 1:3 रेशियो में जो कट हुआ है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, जीरो आ गया, मतलब हमें रिलेशन यहीं से मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि अगर हम यहां पे अगर हम रिलेशन लगाए तो टी वन टी टू तो इक्वेशन में आएगा ही, साथ में पी भी आ जाएगा, जबकि हमें पी नहीं चाहिए, हमें ओनली सिर्फ रिलेशन बिटवीन टी वन एंड टी टू चाहिए। तो अगर हम वाई कोऑर्डिनेट पे अगर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाए तो हमें सिर्फ टी वन टी टू आएगा। इसका मतलब 1:282 सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, 0 = 1 × 2A T2 + 3 × 2A T1 / 4, जीरो हो गया, ठीक है ना? तो 0 = 2 में कॉमन निकालू तो ये 2A कॉमन निकालू, मैं 2A अगर मैं कॉमन निकालू तो ये आ जाएगा T2 + 3T1 / 4, और इसे क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो A तो जीरो नहीं हो सकता है, यहाँ A है ना, A जीरो नहीं हो सकता है, मतलब क्या होना पड़ेगा, इसे जीरो होना पड़ेगा। तो हमारा रिलेशन मिल गया T1 T2 में, T2 + 3T1 = 0, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना? तुम याद रखेंगे ये जो डिस्कशन हमने, ये जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, माइंड में हमेशा रहना चाहिए, ठीक है ना? हमारा जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB इज द कॉर्ड ऑफ पैराबोला y = 4x इफ इट्स इक्वेशन इज y = mx + c एंड इट सबटेंड्स राइट एंगल एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला देन c = ये एक पैराबोला है हमारा, ठीक है ना? ये पैराबोला है, ठीक है? y² = 4x, y = mx + c एक इसका टेंजेंट है, सॉरी टेंजेंट बोल रहा हूं, कॉर्ड है, जो कि जब हम इसको हम वर्टेक्स एंड के दोनों एंड्स को मिला रहे हैं तो ये 90 डिग्री बना रहा है। तो वर्टेक्स क्या हो गया हमारा, 0, 0, ठीक है ना? यहाँ पे आपको हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक जगह डिसाइड, मैंने आपको बताया था कि हम x1 y1 पॉइंट लिए थे, ठीक है ना? x1 y1 पॉइंट इसलिए थे क्योंकि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला हमने x1 और y1 के टर्म में ही हमने पढ़ रखा है। तो जब हमने फॉर्मूला x1 y1 के टर्म में पढ़ रखा है तो ऑफकोर्स हम उसे x1 y1 के टर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे ताकि उससे हमारा कॉन्फिडेंस बना हुआ रहेगा। और यहाँ पे जो है एक कॉर्ड की बात हो रहा है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड की बात हो रहा है, तो हमने उसे T1 T2 के टर्म में हमने पढ़ा है, तो हम इसे लेंगे A T1 का स्क्वायर एंड 2A T1। अगर आप इस वीडियो लेक्चर्स के अगर आपने थ्योरी अगर पढ़े होंगे पैराबोला का कॉर्ड का, तो हमने आपको A T1 T2 में ही ले रखा है, A T2 का स्क्वायर कॉमा 2A T2, ठीक है ना? अब AB कॉर्ड का अगर आपको इक्वेशन याद हो तो हमने इसे लिखा था T1 + T2 y = 2x + 2a T1 T2। अगर हम इसे y = mx + c में अगर रिप्रेजेंट कर दें तो यह आ जाएगा T1 + T2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2a T1 T2 डिवाइडेड बाय T1 + T2। ये हो गया हमारा C हो गया ये, और ये हो गया हमारा M, ठीक है ना? तो हमें C का वैल्यू बताना है, मतलब इसका वैल्यू बताना है। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि इसका ये लाइन और ये जो है ना इसके बीच में 90 डिग्री है, तो इस दोनों के बीच का जो स्लोप होगा ये M1, अगर मैं M2 मानूं तो M1 M2 क्या होगा हमारा -1, M1 M2 will be equals to -1।
तो इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप होगा 281 डिवाइडेड बाय 81 का स्क्वायर, और M2 जो होगा 2A T2 डिवाइडेड बाय A T2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -1। तो एक टी टू कैंसिल, ए से ए कैंसिल, एक स्क्वायर टी वन से कैंसिल हो गया, ए और ए कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच गया 2 × 2 = 4, और नीचे बच गया T1 × T2 = -1। तो T1 T2 क्या आ गया हमारा -4। तो हम यहां पे इस हमें सी चाहिए, तो ऊपर T1 T2 में रख देंगे -4, तो ये हो जाएगा -8 ए डिवाइडेड बाई T1 + T2। और ये लाइन दे रखा है ना, y=mx + c, m दे रखा है, m क्या कर रहा है, स्लोप है, तो m क्या होगा 2 / T1 + T2 क्या हो गया m, तो c ये हो गया, इसी को हम लिख सकते हैं 2 / T1 + T2 × -4a। तो 2 / T1 + T2 क्या हो गया, m हो गया, तो m × -4a, और इसे हम लिख सकते हैं -4a m, और ये हो गया c का वैल्यू, ठीक है ना। a तो हमें क्वेश्चन में पैराबोला में गिवन है, तो a नोन है, m हमें क्या गिवन है, टेंजेंट के कॉर्ड के इक्वेशन में गिवन है, तो m भी नोन है, तो c हो गया हमारा -4a m, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन है हमारा, इफ T1 T2 आर इंड ऑफ फोकल कॉर्ड, T1 T2 आर इंड ऑफ फोकल कॉर्ड का मतलब होता है कि उसका जो वेरिंग जो है पैरामीट्रिक फॉर्म में जो वेरी कर रहा है वो T1 T2 है। तो ये PT1 हम लोग लिखते हैं, और इसे हमने लिख रखा है PT2। तो T1 मतलब AT1 का स्क्वायर 2AT1, और T2 मतलब AT2 का स्क्वायर 2AT2। ये अगर फोकल कॉर्ड है, और पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है y² = 2x, देन रिलेशन बिटवीन T1 T2। तो आपको याद होगा हमने थ्योरी में डिस्कस कर रखा है, अगर y² = 4ax होता है, ठीक है ना, तो T1 × T2 - 1 होता है। तो यहां पे क्या है, y² = क्या दे रखा है 2x, ठीक है ना, y² = 2x, मतलब a जो है, a जो क्या दे रखा है, a = 1/2। तो T1 T2 हमेशा -1 होता है, ऐसा नहीं कि मैंने यहां पे अगर 1 डाल दिया y² = 4a, अगर 1 हो गया y² = x हो गया तो T1 T2 कुछ दूसरा वैल्यू होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। y² = anything × x, इस पे अगर हम फोकल कॉर्ड बनाए, 1 × T1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दूसरा × T2 से, तो T1 × T2 हमेशा -1 होगा, ठीक है। तो ये हमारा था 26 नंबर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। हमारा जो 27 नंबर क्वेश्चन है, द रे ऑफ लाइट मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना, मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ पैराबोलिक मिरर। तो एक, ठीक है, हुज इक्वेशन इज y − 2 का स्क्वायर 4 times ना, तो वर्टेक्स हो गया हमारा -1, 2, और 4 × a, 4a क्या हो गया हमारा 1, 4, तो a क्या हो गया 1, और y स्क्वायर है मतलब डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू y एक्सिस है, तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस जो दे रखा है 1, ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स भी होगा 1। तो एक्स एक्सिस के तरफ जब हम 1 मूव करेंगे, -1 के बाद 1 मूव करेंगे, तो आएगा 0, 2। ये तो इन्फॉर्मेशन हो गया थोड़ा बहुत पैराबोला के बारे में। अब क्वेश्चन को अच्छे से समझ के हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है,
अरे ऑफ लाइट मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक लाइट है ठीक है ना, एक लाइट है जो मूव कर रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ पैराबोलिक मिरर हुज इक्वेशन इज ये, आफ्टर रिफ्लेक्शन देयर ए मस्ट पास थ्रू, मतलब एक लाइट था जो पैरेलल टू एक्सिस जा रहा था। तो जरा 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में चलते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ना, तो ये कॉन्केव मिरर में जब लाइट पैरेलल टू एक्सिस जब आता था, पैरेलल लाइंस जब मीट करता था, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाता था, फोकस से पास करता था कोई भी लाइट ठीक है ना, कहाँ से पास करेगा रिफ्लेक्शन के बाद, फोकस से पास करेगा ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो आंसर क्या होगा हमारा, 0.2, रे मस्ट पास थ्रू पॉइंट, तो रे रिफ्लेक्ट होने के बाद शुड पास थ्रू फोकस, तो फोकस क्या है, 0.2, तो आंसर हो गया हमारा 0.2 ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और सीखते हैं वो हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जानते हैं ये क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 0.-2 टू पैराबोला दिस। अब जरा देखिए ये एक पैराबोला है, अगर पॉइंट पैराबोला पे लाइक कर रहा है तो हम एक ही टेंजेंट बना सकते हैं, अगर पैराबोला अंदर लाइक कर रहा है तो एक भी टेंजेंट नहीं बना सकते हैं, अगर पॉइंट बाहर लाइक कर रहा है तो हम दो टेंजेंट बना सकते हैं, एक इधर और एक इधर, तो डिपेंड करता है पॉइंट कहाँ लाइक कर रहा है। तो पॉइंट लाइक करने के लिए हमें पोजिशन ऑफ पॉइंट हमें पता करना पड़ेगा, पोजिशन ऑफ पॉइंट पता करने के लिए हमें y1 का स्क्वायर माइनस 4x1 का वैल्यू हमें पता करना पड़ेगा। तो x1 क्या है 0, y1 क्या है -2, तो ये जगह -2 का स्क्वायर माइनस 4 × 0, तो हो गया 4 विच इज ग्रेटर देन 0, तो जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉइंट आउटसाइड लाई करता है, तो दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, टू टेंजेंट्स पॉसिबल ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है क्या है, देखिए द टेंजेंट ऑफ पैराबोला दिस एट पॉइंट इतना एंड इतना मीट ऑन द लाइन। ये एक पॉइंट मान लेते हैं 1.2 और ये एक पॉइंट मान लेते हैं, सॉरी ये मान लेते हैं 1.2 और इसे मान लेते हैं 4.4, तो इस पे एक टेंजेंट होगा, इस पे एक टेंजेंट होगा जो इस पॉइंट से पास करता हुआ जाएगा और इस पे एक टेंजेंट होगा, तो यही बोला है कि दोनों लाइन एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं आर पॉइंट पे, तो वो आर पॉइंट एक लाइन से पास कर रहा है उस लाइन का हमें इक्वेशन बताना है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए थे, क्योंकि इस पॉइंट से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकते हैं। तो मैं आंसर्स में ऑप्शंस में देख के आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आंसर जो गिवन था वो था हमारा x=3 ठीक है, वो अगर हमें पता हो y=3, वो आंसर जो ऑप्शन मैं नहीं लिख पाया हूँ, तो ये आंसर है y=3, आप ये आसानी से पहचान जाएंगे अगर दोनों टेंजेंट का इक्वेशन लिख लिए। तो ये पॉइंट मान लीजिए P, ये पॉइंट मान लीजिए Q, देन टेंजेंट एट P होता है हमारा, ये हो जाएगा y × y1 = 2 × x + x1, तो पॉइंट क्या है 4.4, तो y1 x1 क्या हो गया 4, देन 4y = 2 × x + 4, तो ये जगह 2y = x + 4, ये हो गया पहला। अब टेंजेंट एट q जो हो जाएगा हमारा, टेंजेंट एट q हो जाएगा हमारा y × y1 = 2 × x + x1, ये भी याद है ना पॉइंट फॉर्म y² को जो हम लिखते हैं y × y1 लिखते हैं,
एक्स स्क्वायर को लिखते हैं एक्स इंटू एक्स वन, एक्स को लिखते हैं एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, वाई को लिखते हैं वाई प्लस वाई वन बाई टू। तो वही यहाँ पे एक्स था ना, एक्स था तो एक्स की जगह हमने लिख दिया एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, तो टू टू कैंसिल होके टू टाइम्स एक्स प्लस एक्स वन बचा हुआ है। तो हमारा पॉइंट क्या है, एक्स वन है वन, वाई वन क्या है टू, देन टू वाई इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन। और हम इसे लिख सकते हैं टू को कैंसिल करके वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। ये लाइन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वन रख दूँ वाई के जगह पे, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पुट कर दूँ, तो जगह टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर, तो जगह टू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर, देन एक्स आ जाएगा हमारा टू, और एक्स आने पे वाई आ जाएगा हमारा थ्री। तो टू कॉमा थ्री से तो बहुत से लाइन पास कर सकते हैं, टू कॉमा थ्री आ गया मेरा पॉइंट, लेकिन ऑप्शन वहां पे जो भी चार ऑप्शन था अगर आप उसमें पहचानते तो वाई इक्वल्स टू थ्री ही देता, ये वाई इक्वल्स टू थ्री, यही एक लाइन था जो हो रहा था, ठीक है ना। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एक्स एट द पॉइंट वेयर पैरामीटर टी हैज वैल्यू टू कॉमा थ्री। ये एक पैराबोला है, दो पॉइंट पे टेंजेंट बनाया जा रहा है, पी पे और क्यू पे। तो दोनों टेंजेंट कहीं ना कहीं टच करेंगे, यहां से टच करेंगे, ठीक है ना। तो ये टच कर गए, ये क्यू के टेंजेंट है, ठीक है ना। तो ये मेरा ये आर का ना पॉइंट ऑफ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है, एक्स कॉमा वाई बताना है। अगर मुझे टेंजेंट एट पी मिल जाए, टेंजेंट एट पी मिल जाए, एट पी मिल जाए और टेंजेंट एट क्यू मिल जाए, तो दोनों को हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा ना। तो पी पॉइंट पे टी का जो वैल्यू है वन है और क्यू पॉइंट पे टी का वैल्यू टू है, और पैराबोला जो है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एक्स है, मतलब फोर ए का जो वैल्यू है फोर है, फोर फोर कैंसिल, तो ए जो हो गया हमारा वन हो गया। तो पी जो पॉइंट होता है हमारा ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी, तो ए क्या है वन, टी क्या है वन, तो पी का पॉइंट हो जाएगा वन कॉमा टू, और क्यू हो जाएगा ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। ए क्या है वन, ए क्या है हमारा वन, तो वन इंटू टू स्क्वायर दैट इज फोर कॉमा टू ए टी, टू इंटू वन इंटू टू, तो ये आ गया फोर कॉमा फोर। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हो गया लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही हो गया, सेम ही हो गया, वन कॉमा टू एंड फोर कॉमा फोर। देखिए सेम क्वेश्चन हो गया लास्ट, वन कॉमा टू, ठीक है वन कॉमा टू, एंड ये वन कॉमा टू है ना, वन कॉमा टू एंड ये हो गया फोर कॉमा फोर। तो ये कहां पे इंटरसेक्ट हुआ था, टू कॉमा थ्री पे। तो सेम कोऑर्डिनेट्स वन कॉमा टू फोर कॉमा फोर, तो हमें सेम कोऑर्डिनेट्स यहां पे मिला है वन कॉमा टू एंड फोर कॉमा फोर। तो दोनों से जो टेंजेंट बनेगा उसका इंटरसेक्शन हो गया टू कॉमा थ्री, ये हो गया हमारा आर का कोऑर्डिनेट्स। तुम्हारा आंसर हो गया 2.3।